हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ अपनी गाड़ी के ऊपर। आप ये देखिए, गाड़ी में मेरी ना अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस का काम था, तो मैं बैठे बैठे मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा चल व्लॉग बना लेते हैं। तो कई दिन से कोई वीडियो भी नहीं डली थी, तो आज आप गाड़ी से रिलेटेड देख सकते हैं। ये देखिए, इनके पास पहले अलाइनमेंट की इन्होंने ऐसे, ये इस वाली 3D व्हील बैलेंसिंग की मशीन जो होती है, तो अलाइनमेंट हम पहले कर चुके हैं। वो एक्चुअली मैं पहले मेरे को याद नहीं रहा, तो ये यहाँ पर पटेल नगर में जोट इंटरप्राइजेस के नाम से है वर्कशॉप, तो वहाँ पर मैंने गाड़ी का, मैंने कहा पहले अलाइनमेंट कराई, फिर मैंने सोचा चलो इसकी व्हील बैलेंसिंग भी करा देता हूँ। तो यहाँ बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी वर्कशॉप है। टायर से रिलेटेड टायर्स हो गए, व्हील बैलेंस, अलाइनमेंट, जो भी, मतलब कभी ऐसा काम कोई भी कराना हो आपने, तो जैसे अब ये देखिए, आपने ये टायर खोला, इन्होंने इन पे एयर बूस्टर वाला जैक है। एयर बूस्टर जैक से क्या हुआ कि बहुत ही समय की भी बचत है, कि पहले मैनुअल जैक लगाते थे, फिर हाइड्रोलिक वाले जैक आ गए हैं। अभी एयर बूस्टर वाला जैक लगाया, गाड़ी उठाई और नीचे दो सपोर्टें लगाई, चलो जी एक एक करके अब ये व्हील बैलेंस करा जा रहा है। वो उसकी प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे। आप मतलब पता ही होता है सबको, चलो वो बात नहीं, पर एक वीडियो की बात अलग है। ये देखिए, इस पर घुमा के देख रहे हैं कि टायर में कोई फ़र्क तो नहीं है, अगर जहाँ भी फ़र्क आएगा तो वहाँ वेट लगा दिए जाएंगे, वेट लगा के बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है, इसे कहते हैं व्हील बैलेंसर। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक जैक, एयर बूस्टर वाला जैक, ये उठा दी गाड़ी, ठीक है जी। गाड़ी के चारों टायर खोल लिए गए हैं, मतलब दो खोल लिए हैं, दो और खोल रहे हैं, और ये अब ये दो, बेटा जौन सा टायर जहाँ का है ना वहीं लगाना, आगे के आगे, पीछे के पीछे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये भी पैरामेट्रिक मशीन है, उससे बोल्ट खोले। अब ये एक आगे का एक पीछे का टायर निकाल लिया गया है, और ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी कितनी नीट एंड क्लीन है। देखो बाहर से तो सारे करते हैं, ये अंदर से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब अभी कुछ करा नहीं, कोई वॉशिंग मशीन वाला काम, बिल्कुल क्लीन। ये हो गया, ये आगे के हैं, है ना, बस ये याद रखना वो आगे पीछे ना हो जाए ना बेटा, वो पीछे। अब यार देखो, ये आगे का है ना, ये अगर लेफ्ट राइट करते हैं हम, इसको इधर लगा दो, हाँ तो ये इधर लगा दो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो पीछे के ये थोड़े आगे के नए हैं ना, बिल्कुल नहीं, ये पहले पीछे के थे, पीछे अगर घिसे नहीं हुए थे ना बिल्कुल भी, आगे के थोड़े ज़्यादा घिसते हैं, तो ये मैंने आगे करवाए थे, तो इसीलिए बस वो आगे के, वो वाला इधर, वो वाला इधर कर दो, पीछे के भी ऐसे कर देना। वो देखिए, वो वाला टायर हमारा हो चुका है, अगला हमने फिट कर दिया है, और ये वाला दूसरा टायर किया जा रहा है। ये देखिए आप, इसमें 30 ग्राम, ओनली 30 ग्राम का फ़र्क है। अब ये आप देख सकते हैं, ये 30 ग्राम का फ़र्क है, 30 ग्राम ये इस तरह से वेट आते हैं, ये वेट इसके अंदर, पुराने टाइम में जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना रिम वाली, उनमें ये वेट आते थे, उसमें लोहे का रिम होता था, स्टील व्हील जिन्हें बोलते हैं, वो पुरानी मारुति कारें ये वो, ऐसी जैसे पुरानी गाड़ी होती थी, विदाउट अलॉय व्हील अभी भी आते हैं, मतलब जिनमें अलॉय नहीं है, बेस मॉडल गाड़ियों में आते हैं, तो उनमें ये इस प्रकार के वेट यूज़ किए जाते हैं।
ये अपना उसकी कॉलर पे ठोका, बाहर है तो बाहर से ठोक दिया, अंदर है तो अंदर से ठोक दिया। और जो अलाइव व्हील्स वाली गाड़ी है उसमें ये पेस्टिंग होती है, ये अलग अलग तरह के इनका वेट है, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 5 ग्राम, तो ये आपको पता होगा। ये देखिए, हाँ, ये आगे का टायर अब दूसरी तरफ का लगा है, लगाया जा रहा है, ठीक है ना। हमारे इधर ये इनोवा एक वो हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो व्हील बैलेंस का मतलब इनके टोटली है, तो ये बहुत पुरानी दुकान है पर इन्होंने सारा सेटअप नया बनाया है, पूरी बिल्डिंग नई बना के ना, सारी मशीनरी, ये लेज़र व्हील अलाइनमेंट, 3D व्हील अलाइनमेंट, और मतलब प्रॉपर मशीनें, नाइट्रोजन वगैरह, व्हील स्ट्रेटनर, ये वो ऑलरेडी हर तरह के टायर सब कुछ आपको मिलेगा। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग, मैं देखता हूँ कि चाहे 200-500 फालतू ले ले, पर एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्कशॉप और टाइम की बचत, आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे में फ्री कर दें। मुझे 15 मिनट अभी नहीं आए हुए पहले आते अलाइनमेंट, क्योंकि उनके पास सिस्टम ऐसा है, मशीनरी ऐसी है जो टाइम की वेस्टेज नहीं है। अब आप कोई सस्ती जगह चले जाओ, वो क्या करेंगे, मैनुअल जैक होगा, पहले धीरे धीरे जैक लगाएंगे, एक एक करके पहिया खोलेंगे, करेंगे वो करेंगे, 3 घंटे आपके वेस्ट कर दिए। सबसे बड़ी कीमत टायर की, टाइम की कीमत है, ठीक है ना जी। टाइम की बचत कोई बात नहीं, अगर रेट, वैसे मैंने पूछा नहीं है, देखो मेरी आदत नहीं है, मैं रेट नहीं पूछता, हम तो सीधे गए, कहना भाई ये कर दे, ठीक है जी। अब ये हो गया है, ये टायर फिटिंग हो गई है। बेटा ये इधर का था ना, हाँ ये इधर लगा देना, उधर का इधर लगा देना, ठीक है। तो मैंने टायर रोटेशन भी करा दी है, व्हील बैलेंसिंग भी करा दी है। अब ये आप देख सकते हो एयर बूस्टर वाला जैक, मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी नई, क्योंकि मैंने इन्हीं के पास, और होगा तो और भी कई जगह होगा, बड़े शहरों में तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर देहरादून में मैंने इन्हीं के पास देखा। ऐसे ही हमारे एक रिलेटिव भी हैं वहाँ, उनके पास भी हो सकता है, उनका काम भी बड़ा हाई क्लास है। फ्रेंड्स मैं एक बात बता रहा था, वो जो बात के लिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ऑलरेडी, ये लाइट में क्या था, मेरी गाड़ी की लाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। ये जो मेरी हेडलाइट थी ना, ये बिल्कुल मतलब ब्रांडेड, मतलब गाड़ी के साथ की जो भी है, तो दोनों साथ की, उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने जिन गाड़ी में हेडलाइट के अंदर LHID बल्ब लगाए गए, बल्ब लगाने से क्या हुआ कि प्रॉपर सारी फिटिंग, फॉग लाइट, ये वो सब कुछ HID लगा दी। तो अंदर से HID लगाने के बाद जो पीछे जो हेडलाइट का बल्ब का कवर होता है ना, वो कवर कहीं लगाने वाले ने लापरवाही करी, सही नहीं लगाई, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी ड्राइवर साइड का वो कवर गिरा हुआ था, और ध्यान दिया नहीं, गाड़ी चलाए गए उसमें चलेगी डस्ट। तो ये देखिए, ये है मेरी गाड़ी की लेफ्ट साइड की राइट, तो ये बिल्कुल ऐसी चमक रही थी, उधर डस्ट थी, तो वो मैंने क्लीन करवाई है, मेन काम ये था। अब देखिए दोनों सेम हो गई ये, और उसने इतनी बढ़िया क्लीन करके दी है कि मतलब शीशा बना दिया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब जो वो रबड़ वाला फॉल्ट था, वो भी मैंने दोबारा से उसको सही कर दिया, क्योंकि हेडलाइट तो खुली थी, हेडलाइट खुलने के बाद क्या हुआ, जब खुली तो देखा कि डस्ट गई कहाँ से और क्यों गई, क्या कारण है उसका, तो मैंने क्या करा फिर, अब वो देखा कि वो रबड़ उसमें प्रॉपर बैठ नहीं रही थी, क्योंकि जो बल्ब कंपनी के बल्ब होते हैं वो अंदर अंदर हैं, और जो हम HID डलाते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, तो वो रबड़ को मैंने अब बहुत बढ़िया तरीके से लगा दिया, और दोनों लाइटें बिल्कुल डन हो गई हैं, सर्विसिंग फिल्टर वगैरह सब ओरिजिनल डाल के मैंने ओके कर दिया है, फुली सिंथेटिक लिक्विड मोली का 0W40 इंजन ऑयल डाल दिया है, और चारों टायर व्हील अलाइनमेंट हो गए हैं, व्हील बैलेंसिंग हो गई है, गाड़ी की ड्राई क्लीन हो गई है, गाड़ी की डिटेलिंग हो गई है, मतलब फुल फ्लैश, पूरा काम A to Z ओके हो गया फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब मैंने आपकी सारी डिटेल दे दी है, ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको ये काम कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।